हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 4 का हिंदी पढ़ेंगे स्वाध्याय पुस्तिका में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 8 किताब में पढ़ लिया था पत्र लिखने का आनंद। आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में उसका प्रश्न उत्तर कम्प्लीट करेंगे। देखिये विषय प्रवेश, वह कागज जिस पर किसी व्यक्ति को भेजने के लिए कोई समाचार लिखा हो पत्र कहलाता है। पत्र से लोग अपना हालचाल दूसरों तक पहुंचाते और उनसे संपर्क साधते हैं। हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है। इस पाठ में अच्छे पत्र लिखने के ढंग से परिचित कराया गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था उसमें पत्र कैसे लिखते हैं, और हमने ये भी सीखा कि अगर हमको हमारे परिजनों को, हमारे प्रिय लोगों को पत्र लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे। अब आज इसका हम स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे हमारे स्वाध्याय पुथी में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमको विकल्प चुनकर हमारे बॉक्स सारे भरने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आर्यन को किसका पत्र मिला था। ऑप्शन में है क दादाजी का, ख पिताजी का, ग माताजी का। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, उत्तर में आएगा ग माताजी का। बॉक्स में लिखेंगे ग। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, आर्यन ने पत्र किसे लिखा है। हमको पूछा गया है कि आर्यन ने पत्र किसे लिखा है, तो क ऑप्शन में हमारे पास क अपने बड़े भाई को, ख अपने छोटे भाई को, ग अपने पिताजी को। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा ख अपने छोटे भाई को। हम ख लिखेंगे इधर बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, सुनील किस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था। सुनील किस परीक्षा में बच्चों फेल हो गया था, ऑप्शन में है। स्टूडेंट्स फिर देखो हमको ऑप्शन में दिए गए हमको ऑप्शन में दिया गया है क प्रथम सत्र परीक्षा में, ख द्वितीय सत्र परीक्षा में, ग वार्षिक परीक्षा में। तो उत्तर में आएगा क प्रथम सत्र परीक्षा में। हम यहाँ पे लिखेंगे क। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, किसके पीछे समय बिताना ना समझी है। तो किसके पीछे समय बिताना ना समझे स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन में है क टीवी देखने के, ख खेलने के, ग पढ़ने के। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा क टीवी देखने के, क्योंकि जो हम टीवी देखते हैं वो हमारा समय फालतू ही जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए उत्तर में आएगा क। स्टूडेंट्स ये देखो हमने विकल्प जो हमको चुनकर कंप्लीट करना था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखो हमको खाली जगह भरना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हम सभी को खाली जगह देखना अच्छा लगता है। हम सभी को क्या देखना अच्छा लगता है, फिल्म या टीवी के कार्यक्रम। तो आएगा टीवी के कार्यक्रम, इसलिए हम लिखेंगे हम सभी को टीवी देखना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती है। अब हमको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मम्मी या दादी कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती है, तो पाठ के आधार पर हम लिखेंगे मम्मी। उत्तर में आएगा मम्मी कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, घर के लोगों में खाली जगह संबंधी कार्यक्रम किसे पसंद है। अब घर में खाली जगह मतलब किससे संबंधित लोगों को प्रोग्राम पसंद है, तो देखो यहाँ पे कार्टून है, समाचार है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे कार्टून। घर के लोगों में कार्टून संबंधी कार्यक्रम किसे पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4, घर में सबसे खाली जगह समय टीवी कौन देखता है। तो अधिक या कम, हमें किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में सबसे अधिक टीवी कौन देखता है। तो इसमें आएगा घर में सबसे अधिक समय टीवी कौन देखता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसका असर उसकी
इसका असर आपकी खाली जगह पर भी हो रहा है। अगर हम टीवी देखते हैं तो उसका असर और कहाँ कहाँ हो रहा है? उसका असर आपकी कमाई पे हो रहा है या पढ़ाई पे हो रहा है? तो उत्तर में आएगा पढ़ाई। इसका असर आपकी पढ़ाई पर भी हो रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। आपकी इस असफलता से खाली जगह बहुत दुख हुआ। आपकी इस असफलता, अगर कोई असफल होता है, हमारा अपना कोई असफल होता है, तो हमें कैसा लगता है? तो हम उन्हें दुख लगता है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे या मुझे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे मुझे। आपकी इस असफलता से मुझे बहुत दुख हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। आप एक अच्छे और खाली जगह विद्यार्थी हो। आप कैसे विद्यार्थी हो स्टूडेंट्स? एक आप एक अच्छे और समझदार या खुददार? तो समझदार। आप एक अच्छे और समझदार विद्यार्थी हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8। टीवी के पीछे समय बिताना समय का खाली जगह है। अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी के पीछे समय बिताना क्या होता है? समय का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है? तो आंसर में आएगा सदुपयोग। हम टीवी के दुरुपयोग में, यहाँ पे हमने लिखा है दुरुपयोग में, टीवी के पीछे समय बिताना समय का दुरुपयोग है। ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ओके फ्रेंड्स, देखो हमको इसमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं और इसमें हमको सही गलत का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1। पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र हमारे जीवन का कैसा अंग है स्टूडेंट्स? आवश्यक अंग है। ये एक सच्ची बात है गलत? तो ये सच बात है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे सही। इसमें आएगा सही। ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2। पत्र में हम विस्तार से अपना पूरा समाचार लिखते हैं। तो क्या अगर आप किसी को पत्र लिखते हो तो आप क्या पत्र में पूरा विषय समाचार लिखते हो? नहीं, उसमें पत्र में हम सिर्फ हमारी जरूरी बातें ही लिखते हैं, इसलिए इसमें आएगा गलत। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हम जिसे पत्र लिखते हैं उसके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। हाँ, इसलिए इसमें आएगा सही। ओके फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट पेज में। ओके फ्रेंड्स, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4। हमें पत्र लिखने की कला सीखनी चाहिए। हमें पत्र लिखने की कला सीखनी चाहिए स्टूडेंट्स? यस, इसमें आएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5। पत्र पाने वाले के साथ संबंध के अनुसार संबोधन दाएं तरफ लिखना चाहिए, इसमें आएगा गलत। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। पत्र के दूसरे परिच्छेद में विषय चर्चा करनी चाहिए। तो हमें पत्र के दूसरे परिच्छेद में विषय चर्चा करनी चाहिए? हाँ, इसलिए इसमें आएगा सही। ओके फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब इसके प्रश्न उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पत्र में अपना पता और दिनांक आप कहाँ लिखेंगे? तो हम उत्तर में लिखेंगे पत्र में अपना पता और दिनांक दाएं तरफ लिखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। पत्र में आप विषय की चर्चा कहाँ करेंगे? उत्तर में आएगा पत्र में विषय चर्चा दूसरे परिच्छेद में करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? अब हमें पूछा गया है कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? उत्तर में आएगा पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। पत्र में संबोधन आप कहाँ लिखेंगे? पत्र में हम संबोधन कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स? उत्तर में हमें लिखना है पत्र में संबोधन बाईं तरफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। पत्र के पहले परिच्छेद में आप क्या क्या लिखेंगे? देखो हमको पूछा गया कि पत्र के पहले परिच्छेद में हम क्या क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे उत्तर में पहले परिच्छेद में कुशल समाचार और पत्र मिलने की औपचारिकता लिखेंगे। ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा पत्र में कहाँ लिखनी चाहिए? उत्तर में आएगा पत्र के अंतिम परिच्छेद में परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा दर्शाई जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय अभिवादन कहाँ लिखेंगे?
अगर हम अपने से बड़े को पत्र लिखते हैं तो उसका अभिवादन कहाँ लिखेंगे? उत्तर में आएगा, अपने से बड़े को पत्र लिखते समय अभिवादन बाईं तरफ लिखेंगे। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8। पत्र में छोटे बड़ों के अनुसार शिष्टाचार प्रकट करने का स्थान कहाँ होता है? तो उत्तर में आएगा, पत्र के अंत में दाहिनी ओर कोने पर छोटे बड़ों के अनुसार शिष्टाचार प्रकट करने का स्थान है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।